बताया था कि हर वेद के साथ उपवेद, ब्राह्मण, अर्ण्यक, उपनिषद, श्रौत, शूत्र, गृह सूत्र और आवाहन अलग अलग जुड़े हुए हैं। जैसे इस चार्ट में मैंने सभी को इकट्ठा कर दिया है। ऋग्वेद से जुड़ा हुआ उपवेद है आयुर्वेद, हालांकि आयुर्वेद का सबसे पहला वर्णन मिलता है अथर्ववेद से। ब्राह्मण है ऐत्रेय और कौशिकी की, अरण्यक भी वही है, उपनिषद भी वही है, अश्वलायन और सांख्यायन ये श्रौत सूत्र है, गृह सूत्र भी वही है और वेद अध्ययन पूर्व क्रमशः आवाहन आहुति दी जाती है पृथ्वी और अग्नि को। तो ये तो मैंने चार्ट बना दिया है, लेकिन इसके बारे में आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। ये हमने बता दिया था क्रम क्या है, वेद, चतुर्वेद, ब्राह्मण, अर्ण्यक और उपनिषद। श्रुति साहित्य क्यों कहा जाता है, संगीता क्यों कहा जाता है, ये सब मैंने विस्तार से आपको बताया था और दो वेदों का वर्णन भी किया था। स्क्रीनशॉट क्यों लेना नहीं था, तुम डायरेक्ट सारा का सारा पीडीएफ डाउनलोड करो, स्क्रीनशॉट लेने से क्या लगा। तो आइए बेहतर है कि डायग्राम बना के ही समझाते हैं, लिखा तो सब कुछ है इसमें। तो मंजू हो कि ब्यूटी हो, तो कभी आती हो कभी नहीं आती हो, ऐसा क्यों करती हो। और दूसरा उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। अभी हम चर्चा कर रहे हैं वैदिक काल की, जिसकी पूरी जानकारी निर्भर करती है ऋग्वेद पर। कल मैंने बताया था विवाह संस्था का वर्णन किसने किया है, वेरी गुड, दीर्घ तमाम है। इन दसों मंडलों की कुछ कुछ विशेषताएं। दसवां मंडल सबसे बड़ा है, दूसरा मंडल सबसे छोटा है, ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति की गई है, तीसरे मंडल में भगवान विष्णु की स्तुति की गई है, सातवें मंडल में पूषण की स्तुति की गई है, तीसरे मंडल में ही प्रसिद्ध देवी सूक्त है, देवी सूक्त प्रसिद्ध है गायत्री मंत्र के कारण। गायत्री मंत्र में सूर्य के गार्जियन सविता का आवाहन किया गया है, सविता को संबोधित। सविता को माना जाता है कि प्रातः काल की देवी है, यानी सूर्य का जो प्रातः का स्वरूप होता है वो सविता है। छठवें मंडल में मैंने बताया था कि शस्त्रों की प्रशंसा की गई है, उन शस्त्र जो युद्ध में अश्वमेध यज्ञ के छोड़े जाने से पहले यूज किए जाते थे। पहले मंडल में कल मैंने बताया था कि अश्विन द्वारा 1000 पतवार वाले जहाज से भुज की रक्षा का विवरण मिलता है। पहले ही मंडल में 20 राजाओं के एक युद्ध का उल्लेख है, जिसमें 60,099 राजाओं ने भाग लिया था। दशराग युद्ध का वर्णन है 7वें मंडल में, जिसमें 10 राजाओं ने भाग लिया था और सुदास की विजय हुई थी, भरत वंश की स्थापना हुई थी, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारत।
सातवां मंडल कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारत का नाम किसी भक्तवंश के नाम पे पड़ा जिसका वर्णन सातवें मंडल में है। दसवां मंडल में कई सूक्त हैं, नासदी सूक्त, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, शौर्य सूक्त, विवाह सूक्त। सर्वाधिक सूक्त इसी मंडल में अंकित है, इसलिए दसवें मंडल को ऋग्वेद का प्रतिनिधि मंडल कहा जाता है। या दसवें मंडल को एक और नाम दिया गया है, बृहत परिशिष्ट। दसवें मंडल में जो नासदी सूक्त है ना, इसमें सबसे पहले निर्गुण ब्रह्म या एकेश्वरवाद का वर्णन मिलता है, और इसमें एक नदी सूक्त है, नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन मिलता है। हालांकि संपूर्ण ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का वर्णन है, और संपूर्ण वैदिक साहित्य को ले लें तो उसमें कुल 31 नदियों का उल्लेख है। विवाह सूक्त में विवाह के गीतों का उल्लेख है, और दीर्घतमा ने विवाह संस्था की शुरुआत की थी। पुरुष सूक्त के बारे में कल मैंने विशेष रूप से बताया था। इसी मंडल में पुरुरवा और उर्वशी का संवाद है। इसी में एक और मुंडक सूत्र, मुंडक सूक्त, कल मैंने बताया था सोमरस निकालने और शिक्षा व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसी में एक और सूक्त है जिसे हम कहते हैं संवाद। बस ये जान लो पुरुरवा और उसी का संवाद है। पुरुरवा की कहानी बड़ी लंबी है। संवाद सूक्त में पहली बार भारतीय नाटक के प्रारंभिक स्वरूप का ज्ञान होता है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त ऐसे भी हैं जो वार्तालाप की शैली में है। संवाद सूक्त में खासकर दो नदियां हैं जिनके बीच वार्तालाप। इन दो नदियों का नाम है ब्यास और सतलज। ऋग्वेद में केशी सूक्त है, कल मैंने केशी सूक्त के केशी विशेषता के बारे में बताया था। केशी सूक्त में क्या प्राप्त होता है, कुछ जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं। ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता, लक्ष्मी का मिलता है, शिव को त्र्यंबक कहा गया है। तो ऋग्वेद की जो सबसे पुरानी पांडुलिपि है मिली है भारत में, वो भोज वृक्ष की छाल में लिखी हुई मिली है कश्मीर से। ये महाराष्ट्र में पुणे में एक संग्रहालय में भी रखी हुई है। मंडल और उनसे संबंधित ऋषि और उनके रचनाकाल और विभिन्न ब्राह्मण इत्यादि के बारे में मैंने विस्तार से कल आपको बताया था। और हम बात कर रहे थे यजुर्वेद, यजुर्वेद की बात पूरी हो गई थी। सामवेद बताए थे, यजुर्वेद से शुरू करते हैं। यजुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, यजुष। यजुष का अर्थ होता है यज्ञ, और यजुर्वेद का उद्भव माना जाता है वायु से। यजुर्वेद में जो मुख्य विषय है वो है कर्मकांड। यजुर्वेद के एक्सपर्ट को कहते हैं अधर्वी, ये पुरोहित। महाभाष्य में यजुर्वेद की 101 शाखाओं का उल्लेख है, लेकिन वर्तमान में यजुर्वेद को मात्र हम दो शाखाओं में विभाजित करते हैं, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का एक और नाम है तैत्रीय संहिता, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को ही कहते हैं वाचस्नेयी संहिता, इनके ऋषियों के नाम पे। इनका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। क्या महत्व है? कृष्ण यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों मंत्र मिलते हैं।
इसलिए इसको अशुद्ध माना जाता है, अशुद्ध वेद। शुक्ल यजुर्वेद में केवल मूल मंत्र मिलते हैं, इसलिए इनको शुद्ध वेद माना जाता है। हालांकि कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद से ज्यादा पुराना है और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बटा हुआ है। आगे चल करके आख्या, और खंडकीय है। तो इसमें कृष्ण यजुर्वेद में बहुत सारे चीजों का वर्णन है, जैसे कई यज्ञों का वर्णन है, खासकर अग्निष्टोम यज्ञ, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध, इन सभी यज्ञों का वर्णन। यजुर्वेद में सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, शून्य का उल्लेख, शून्य का पहला उल्लेख। अग्निष्ट यज्ञों की अलग से क्लास लेंगे, उसमें बताएंगे सभी यज्ञों के बारे में। कृष्ण यजुर्वेद की अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसके दो भाग हैं, लेकिन दो भागों के साथ साथ इसके चार पाठ, इन चार पाठों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। ये चार पाठ है मैत्रायणी, तैत्रायणी, काटक और कपिष्ठक। जैसे ऋग्वेद में तीन पाठ थे, साकल, वाष्कल और बालखिल, ऐसे इनमें कृष्ण यजुर्वेद की बात हो रही है। तो शुक्ल यजुर्वेद में भी हम देखते हैं कि दो पाठ, वाजसनेयी संहिता के दो पाठ, एक को कहते हैं मध्य दीन और दूसरे का नाम है कर्ण, ऋषियों के नाम है। यजुर्वेद की पहली विशेषता मैंने बताया कि शून्य का उल्लेख है। दूसरी विशेषता यजुर्वेद का यह है कि पहली बार इस भारत की दुनिया की धरती पर अगर गद्य लिखा गया तो यजुर्वेद में लिखा गया, गद्य साहित्य, प्राचीनतम गद्य साहित्य है। वाजसनेयी संहिता यानी शुक्ल यजुर्वेद अन्य कारणों से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे वाजसनेयी संहिता में कुल 40 अध्याय हैं, और इसका जो अंतिम अध्याय है उसे कहते हैं ईशोपनिषद। अब ये उपनिषद है या आध्यात्मिक, इसको वाजसनेयी संहिता इसलिए कहते हैं कि वाजसनेयी नाम के ऋषि के बेटे याज्ञवल्क इसके प्रथम दृष्टा थे। तो यजुर्वेद के बारे में सारी कहानी समझ में आ गई। ये मुख्य मुख्य यजुर्वेद की विशेषता है, जो कि स्लाइड में भी एज इट इज लिखा हुआ है, पाठ और भाग में कोई अंतर नहीं है। हाँ, धार्मिक होने और आध्यात्मिक होने में जमीन और आसमान का अंतर। धर्म है मान्यता, आध्यात्म है प्रयोग। अध्यात्म में आप रूपांतरित होना चाहते हैं, धर्म में आप रूपांतरित नहीं होना चाहते, रूपांतरित करना चाहते हैं लोग। अध्यात्म है साधना, धर्म है किसी इंस्टीट्यूशन को मान लेना। अध्यात्म का संबंध है आत्म क्रांति से, धर्म का संबंध है किसी क्रांति व्रांति से, एक कुंबे के आप हिस्से बन गए। देखो शब्दों में मत जाओ, पाठ का मतलब होता है यूनिट्स। जैसे आपके यूजीसी नेट एग्जाम के दो भाग हैं, एक पेपर वन का और पेपर टू का, वो दो भाग हो गया और हर भाग में 10-10 यूनिट है, वो पाठ हो गया। तो कहीं भाग पाठ के रूप में यूज होगा, कहीं कुछ भी यूज होगा, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। अब दूसरा है सामवेद। कल हमने थोड़ी सी बात इसकी की थी। साम का अर्थ होता है संगीत, इसी से सूफियों का बना है समा। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, और जो इन मंत्रों को गाता था उसे क्या कहा जाता था? उद्गाता। तो जब मंत्र गाए जा सकने वाली भंगिमा में आ जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है गान। तो
इन गान को, सामवेद के इन गानों को इसी से गाना शब्द बना है, चार पुस्तकों में संकलित किया गया है। ग्राम गेय, अरड़िया गान उद्गान और उद्ध्यगान, ये चार प्रकार के गान इसमें शामिल है। सामवेद में मैंने कल ही बताया था कि टोटल 1549 मंत्र हैं। इसमें सामवेद के मात्र 75 मंत्र हैं, बाकी सारा का सारा ऋग्वेद से उठा लिया गया है। ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? 8वें और 9वें मंडल से। सामवेद की तीन शाखाएं हैं, दो ब्राह्मण हैं। तीन शाखाएं कौन सी हैं? कौथुम, राणानी और जैमिनी है। दो ब्राह्मण हैं, एक को कहते हैं तांड्य ब्राह्मण और दूसरे को कहते हैं जैमिनीय ब्राह्मण। शाखा अलग चीज है, ब्राह्मण अलग चीज। तांड ब्राह्मण बहुत बड़ा है, इसको महाब्राह्मण कहते हैं। 25 चैप्टर है इसलिए 25 ब्राह्मण भी कहते हैं। इसका जो लास्ट चैप्टर है 26वां, उस 26वें चैप्टर को कहते हैं अद्भुत ब्राह्मण। तो प्रथम दृष्टा इसके वेदव्यास के शिष्य थे जैमिनी और सुकर्मा ने इसका विस्तार किया। महाभाष्य कहता है कि इसकी 1000 शाखाएं थी। सूर्य के स्तुति के मंत्र हैं सामवेद में, और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूं, ऋग्वेद नहीं कहते। तांड ब्राह्मण में मैंने बताया था कल एक स्पेशल बात, क्या थी वो? सरस्वती नदी की उत्पत्ति और विलुप्ति का वर्णन है। कल मैंने तांड ब्राह्मण की तीन शाखाओं के बारे में ही बताया। संगीत की पैदाइश इसी से हुई है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद को मैंने बताया था कि एज एन एंटीवायरस यूज किया जाता है। इसमें जादू टोने, तंत्र मंत्र, रक्षात्मक उपाय, सांसारिक बातें, ये सारे कुछ। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, शौनक और पिपलाद। ये ऋषियों के नाम पे सर्वाधिक प्रमाणित शाखा माना जाता है शौनक। अथर्ववेद में सबसे पहले पूर्वी भारत के कुछ राज्यों का नाम मिलता है जिसमें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है मगध और अंग। कलयुग के राजाओं का भी नाम मिलता है, जैसे परीक्षित जो कि पांडव वंश अभिमन्यु के पुत्र थे। परीक्षित को कहा गया है मृत्यु लोक का देवता। संगीत का नायक, विश्व का राजा,
अयोध्या का भी उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में ही, लेकिन यह कहना मुश्किल है क्योंकि ऋग्वेद का 10वां मंडल भी अयोध्या का उल्लेख करता है, लेकिन अथर्ववेद पहले लिखा गया और ऋग्वेद का 10वां मंडल बाद में लिखा गया, इसलिए अयोध्या का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद को ही मानेंगे। अथर्ववेद का जो एक्सपर्ट है उसे कहते हैं ब्रह्मा, ये मात्र अथर्ववेद का एक्सपर्ट नहीं है, ये चारों वेदों का इंस्पेक्शन करता है। चूंकि परीक्षित का उल्लेख है तो सभा और समिति का भी उल्लेख, ऋग्वैदिक संस्थाएं, इनको कहा गया है प्रजापति की दो पत्रियां हैं, जन सामान्य की रूढ़िवादिताएं मान्यताएं ये अथर्ववेद में लिखी हुई है, जन्म से मृत्यु तक अनेक संस्कारों का भी इसमें वर्णन है, एक रोगनाशक जड़ी बूटी का भी वर्णन है, उसका नाम था अरुंधति। नहीं, ये प्रजापति बाद में ब्रह्मा बन गई, अलग प्रजापति। अथर्वेद में ही सबसे पहले आयुर्वेद का वर्णन है, हालांकि आयुर्वेद उपवेद है ऋग्वेद का, लेकिन आयुर्वेद का प्रथम उल्लेख मिलता है अथर्वेद के एक विशेष सूक्त में, उसे कहते हैं औद्वाहिक सूक्त। राजा का जनता का चुनाव, जनता द्वारा राजा का चुनाव भी इसी में वर्णित किया गया है, और इसमें राजा को कहा गया है राष्ट्रभृत्य। राष्ट्रभृत्य का मतलब होता है देश का नौकर, प्रधान सेवक। ये जो राष्ट्र की संकल्पना है नेशन स्टेट, ये अथर्ववेद में मिलनी शुरू हो जाती है, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभाषा, राष्ट्र महिमा। अथर्ववेद का सबसे महत्वपूर्ण सूक्त है पृथ्वी सूक्त, इसको अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें कहा गया है कि जो धरती है वो कामधेनु है, वो ऐसी गाय है जो सभी संतानों को, सभी मनुष्यों को बराबर दुग्धपान करवाती है। इसके 19वें मंडल में सृष्टि का मूल बताया गया है काल को, राष्ट्रवादी भावना सोई भी हो तो है तो सही, आपके अंदर का पौरुष हो या हो इससे अनुपस्थित नहीं हो जाता, हाँ जब उसको चुनौती मिलती है तब वो जागता है। अब मेरी बीवी सोई है, इसका मतलब थोड़ी ना वो घर में है ही नहीं, घर में है, जब जागेगी तो मुझे पता चल जाएगा। 19, इसमें कहा गया अथर्ववेद में 19वें मंडल में कि सृष्टि का आधार है काल। एक और विचित्र बात है कि अथर्ववेद में ऋग्वेद के कई सूक्त हूबहू शामिल कर लिए गए हैं, जादू, टोना। ऋग्वेद के जो कि कई सूक्त शामिल किए गए हैं अथर्ववेद में, तो ये नहीं कहा जा सकता कि अथर्ववेद बाद में लिखा गया, ऋग्वेद पहले लिखा गया है, दोनों लगभग समकालीन है, आता बाद में है लेकिन ये पीछे नहीं रचा गया। बहुत काल तक अथर्ववेद को चारों वेदों में शामिल नहीं किया गया था, जैसे शतपथ ब्राह्मण में त्रय विद्या, ये तीन वेदों को ही शामिल किया गया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही त्रय की बात की जाती है, बौद्ध और जैन ग्रंथ भी इसको वेदों में शामिल नहीं करते। कारण यह है कि इसमें सांसारिक बातें बहुत ज्यादा है, शुभ अशुभ, जादू टोना, शकुन अपशकुन, तंत्र मंत्र। इसका जो व्यक्तित्व है बाकी तीनों वेदों के व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा मेल नहीं खाता है, इसलिए बाद में शामिल कर लिया गया। नया वेद नहीं कहते, कौन कहता नया वेद। तो ये हुआ ऋग्वेद, सामवेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये बात समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे ब्राह्मण की, इनमें क्या क्या ऐतिहासिक तत्व है, इनके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया, बताया कि नहीं बताया भाइयों बहनों। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण का मतलब क्या है, यज्ञों के बारे में प्रतिपादित करेंगे, वेदों की सरल व्याख्या करके हाहाकार में चलेंगे, जो यज्ञ नहीं करना चाहते उनको भी यज्ञ करवा के मानेंगे और कहेंगे कि पैसे दो
बलि तो बलि। हाँ बस तुम कितने ज्ञानी पुरुष हो। बलि संबंधी अनुष्ठानों का पाठ है ब्राह्मण में, और ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता है दो ऋषि, एक का नाम था होत्री और दूसरे का नाम था संख्यायन। इन दोनों ने मिलकर के सभी वेदों का सरलीकरण करके इनकी रचना कर दी। तो ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों से संबंधित उपासना पद्धतियों को दिया गया है, और ब्राह्मण गद्य है, बेसिकली पद्य नहीं है, इसमें छंद इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो संस्कृत गद्य का इसमें भी प्राचीनतम रूप पाया गया है। ऐसी मान्यता है कि जितनी वेद है, जितनी वेद की शाखाएं हैं, उतनी ही अड़ियक है, उतनी ही ब्राह्मण है, लेकिन वर्तमान में केवल 18 ब्राह्मण है। जैसे ऋग्वेद के कल मैंने दो ब्राह्मण बताए थे, ब्राह्मण है वेदों को सरल करके एक्सप्लेन किया जाए जिन ग्रंथों में, उन ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। जैसे हम लोग क्लास कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे ना, तो नवोदय विद्यालय पढ़ते थे, नवोदय विद्यालय में एक आता था एनडी नंदलाल दयाराम, ये कुंजी होती थी, या यूपी में होता है विकास, आता है विकास, उसमें जो एग्जाम लाइक चीजें वो इकट्ठी करके सरल भाषा में दे देते हैं। कुंजी वैसे ये ब्राह्मण कुंजी है वेदों की। आपका एक्सप्लेनेशन भी सही है, लेकिन ये जो प्यार लगा दिया बीच में ना, PYR, इस पे मुझे संदेह है। देखो स्पष्टीकरण भी तुरंत आ गया। इसको और सिंपल तरीके से याद करने के लिए सबसे पहले नाम के आगे से सी हटा देना चाहिए, क्योंकि सी के बड़े ही अन्य प्रकार के अर्थ भी पाए जाते हैं समाज में। वैसे जैसे मैं समझा रहा हूं याद हो जाएगा। याद करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, समझना महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद में दो ब्राह्मण हैं, एक को कहते हैं ऐत्रेय, ऐत्रेय का एक और नाम है पंचिका, एक दासी थी इत्रा, उनका बेटा बन गया महिदास, उसने लिखा है, इसलिए इसका नाम पड़ा ऐत्रेय। इरावती नदी के किनारे रहता था। तो ऐत्रेय ब्राह्मण पर टीका लिखी है सायण, सायणाचार्य ने। ऐत्रेय ब्राह्मण का ऐतिहासिक महत्व क्या है? सबसे पहले इसमें राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं, किसी भी राजा का राज्याभिषेक कैसे होना चाहिए, राजाओं के नाम दिए गए हैं प्राचीन काल के, जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी इसमें दी गई है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। नर मेध यज्ञ जिसमें मानव की बलि दी जाती थी, इसका वर्णन आया है। नर मेध यज्ञ यानी मानव बलि। इसी तरह से दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी, कौशिकी का दूसरा नाम है संख्यायन भी। हाँ ये सारे वर्ण ऐत्रेय में। कौशिकी या संख्यायन ऐत्रेय ब्राह्मण से भी पहले का ब्राह्मण, यानी ये पुराना ब्राह्मण।
इसमें कुछ खास ऐतिहासिक आख्यान नहीं मिलते। इसी तरह से यजुर्वेद के कुछ ब्राह्मण हैं, दो ब्राह्मण हैं, पहला शतपथ, शतपथ का मतलब होता है 100 रास्तों वाला, 100 पवित्र ग्रंथ। दूसरा तैत्तरीय, शतपथ ब्राह्मण सभी ब्राह्मणों में प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद के बाद ऐतिहासिक महत्व के रूप में शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान है, इसलिए इसको कहा गया है लघु वेद, छोटा वेद। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता माने जाते हैं याज्ञवल्क। इनका पूरा नाम था याज्ञवल्क वाजस्नेह। शतपथ ब्राह्मण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 14 कांड हैं और सभी प्रकार के यज्ञों का पूर्ण विवरण मिलता है। और भी बहुत सारे विवरण मिलते हैं, जैसे प्रलय, मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु का पहला अवतार है, विदेत माधव की कथा, ये आप लोगों ने सुना होगा विदेत माधव की कथा, जिन्होंने आर्यकरण किया था उत्तर भारत का, पुरोहित गौतम राव गणपुर की ओर प्रस्थान करता है, इसमें भी पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन है। उपनयन संस्कार, जो कि शिक्षा प्राप्त करने के पहले संस्कार है, राजा दुष्यंत और भरत की कथा, भरत जो शकुंतला वाला है, अश्विनी कुमार और च्यवन ऋषि का वर्णन है, ये सब शतपथ ब्राह्मण में कथाएं मिलती हैं। इसी तरह से तैत्तरीय ब्राह्मण भी इंपॉर्टेंट है। तैत्तरीय ब्राह्मण में 5 महायज्ञ और 3 ऋण, साक्षी महर्षि भारद्वाज, प्रहलाद, अगस्त, ऋषि का विवरण है। तैत्तरीय ब्राह्मण में पहली बार मांस खाने का निषेध किया गया है और कहा गया है कि मानव का जो मन है ना, यही प्रजापति है, प्रजापति यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी सृष्टिकर्ता, मन ही संसार बनाता है। तो ये कुछ ऐतिहासिक विशेषताएं हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण के। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद आते हैं सामवेद के ब्राह्मण। सामवेद में कई ब्राह्मण हैं, तांड्य, तांड्य का एक और नाम था पंचविश या महाब्राह्मण। तांड्य का जो परिशिष्ट है उसका नाम है अद्भुत या खडविश। इन ग्रंथों का नाम ब्राह्मण क्यों रखा गया है? जो जगत का मूलभूत स्वभाव है वो है निरंतर विस्तार।
जगत में कुछ भी है वो फैल जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। जगत अंदर से बाहर की तरफ गति करता है, केंद्र से परिधि की तरफ गति करता है, बीज से वृक्ष की तरफ गति करता है। ये जो मूलभूत स्वभाव, एक बीज मिट्टी में डालोगे वृक्ष बन जाएगा। आप सिकुड़ नहीं सकते, आप फैलेंगे ही फैलेंगे, फैलेंगे ही फैलेंगे, फैलेंगे ही फैलेंगे, वास्ट एक्सपेंडिंग, दिस इज द नेचर ऑफ द एग्जिस्टेंस। इस जो नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है, फूल है, फूल खिला है, ये जो फूल में सौंदर्य दिख रहा है, ये फैलने का सौंदर्य है। फिर इसकी सुगंध फैलेगी। जब भी आप प्रसन्न चित्त होते हैं, खुश होते हैं, फैलना चाहते हैं, चार दोस्तों को बुला करके एंजॉय करना चाहते हैं, अपना सुख बांटना चाहते हैं, कोई भी खुशी की बात हो, सबसे पहले दूसरों से शेयर करना चाहते हैं। इसीलिए फेसबुक और ट्विटर और ये सब इंस्टाग्राम इतना चल रहा है, क्योंकि आपको फैलने में वो कोऑपरेट करते हैं, आपको फैलने में सहायता करते हैं। और इसका उल्टा भी सत्य है कि जब आप दुखी होते हैं तो आप सिकुड़ जाना चाहते हैं। जब व्यक्ति दुखी होता है तो सारा कमरे की लाइट बंद करके कोई ना देखे चुपचाप बिस्तर में पड़ा रहता है, उससे सिकुड़ना है, किसी से बात नहीं करना, किसी से कुछ शेयर नहीं करना। और जब अंतिम एकदम दुखी हो गया, सुसाइड कर लिया, मान लो सुसाइड है अंतिम सिकुड़ने का प्रयास, लेकिन वो दुखी अवस्था, वो निगेटिव अवस्था है। पॉजिटिवली अगर जगत की स्थिति को देखें तो फैल रहा है। आपको पता है वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जो ग्रह नक्षत्र, सूर्य, चांद, पृथ्वी इत्यादि है ना, बहुत लाखों साल पहले एक विस्फोट हुआ था। पहले पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में समाया हुआ था और वहां से विस्फोट हुआ और फिर वहां से ब्रह्मांड फैलने लगा गुब्बारे की तरह। और ग्रह नक्षत्रों की दूरी एक दूसरे से बढ़ती चली जा रही है, पिंडों की दूरी जो हेवनली बॉडीज है हमारे संसार में, वो एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। सूरज और चांद और पृथ्वी की आंतरिक दूरी बढ़ गई है, वो फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। ये जो विस्तार का स्वभाव है संसार का, इसको एक शब्द में कहा गया है ब्रह्म। इस स्वभाव को नाम दिया गया है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब है कि इसका स्वभाव है। तो वेदों के अर्थ का जो विस्तार कर रहा है उसको कहा गया ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम ही है विस्तार करना, समझ गए? तो ये बड़ा मनोवैज्ञानिक है। खैर, तांड ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण, इसके बाद तीसरा है जैमिनी है। कुछ और भी ब्राह्मण है, संगीतोपनिषद, संविधान, वंश, आशय, मकदुनिया जाके बस जाओ और वहां बुका फेला पे बैठ के निकलना। सिकंदर भी यही चाहता था। और जहां तुम्हारा घोड़ा गोबर कर देगा उसका नाम रख देना निकैया। अरे किसने कहा याद कर लो, समझो पहले। तो सामवेद में कुछ विशेष बातें, जैसे तांड ब्राह्मण में खासकर इंद्र का वर्णन किया गया है वेदों के वर्ण व्यवस्था के संस्थापक के रूप में, वर्ण व्यवस्था के उत्पत्तिकर्ता के रूप में। तांड ब्राह्मण में एक और चीज मिलती है, व्रात यज्ञ। व्रात यज्ञ यानी आर्य मर्यादा का पालन नहीं करने वाले व्रतहीन लोगों को आर्यों के दायरे में लाने का यज्ञ। अद्भुत ब्राह्मण है खडविश ब्राह्मण, इसका परिशिष्ट है।
अद्भुत ब्राह्मण का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें भूकंप, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस अकाल, और भी जो उत्पात को, इन उत्पातों का समन कैसे किया जाए इसका विधान मिलता है। जैमिनी तांड से भी प्राचीन है, और वंश ब्राह्मण में शामवेद के ऋषियों की वंश परंपरा दी गई है। सामविधान ब्राह्मण में बहुत सारे व्रत, तांत्रिक क्रिया, वेद मंत्र, इन सभी का विवरण है, और आरसेर ब्राह्मण में बहुत सारा सूत्र दिया हुआ है सूत्र शैली में। तो ये सामवेद के ब्राह्मणों का इंपॉर्टेंस है। मगध के लोगों को ब्रात्य क्यों बोला? क्योंकि पता था कि एक दिन पाटलिपुत्र में एक कन्या रहेगी जो नाना प्रकार के लोगों का व्रत तोड़वा देगी, इसलिए पहले से ही बोल दिया। संहितोपनिषद का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, ऐतिहासिक महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है तो फिर तुम ही बताओ कैसा है। मगध के लोगों को इसलिए बोला है क्योंकि मगध में अनार्य राजा हुए जो आर्य को नहीं मानते थे, जैसे शिशुनाग वंश, हरियंक वंश, सबसे ज्यादा तो नंद वंश, नाइयों का वंश था, वो नाई थे, या चंद्रगुप्त मौर्य का वंश है। मौर्य के बारे में भी डिबेट होता है, कुछ लोग कहते हैं वृषल था, यशोधर था, पक्का नहीं पता था क्या वो, अलग अलग कयास लगाए जाते। पक्का ये था कि पुराणों में, वेदों में लिखा है ना कि क्षत्रिय शासन करेगा, लेकिन दे वेर नॉट क्षत्रिय, जैसे अशोक, अशोक न क्षत्रिय नहीं था, सब दासी पुत्र, नाई पुत्र, पुत्र पुत्र, शिशुनाग भी किसी गड़बड़ टाइप का ही जाति का था। पुष्यमित्र शुंग के आने के बाद मगध की स्थिति सुधरी है, उसके पहले सारे ऐसे ही थे। चाणक्य ने शूद्र को गद्दी पर इसलिए बिठाया क्योंकि लोहा लोहे को काटता है, जिसको काटना था वो भी शूद्र थे, नंद भी शूद्र ही तो थे ना, ठीक उसी तरह जिस तरह से शोले में ठाकुर गब्बर को मारने के लिए दूसरे कुंडों को हायर करता है। और यही सवाल बीरू ने भी पूछा, नहीं जय ने भी पूछा था ठाकुर से कि ठाकुर साहब हम लोग भी तो गुंडे बदमाश हैं, फिर गब्बर को मारने के लिए आपने हमें क्यों चुना? तो ठाकुर ने कहा था क्योंकि लोहे लोहे को काटता है। अभी तुम शोले नहीं देखे? नहीं, मैं कोई भी डायलॉग दोबारा नहीं बोलता, इसीलिए बहुत सारी फिल्मों से मुझे निकाल दिया है, कितने कंसाइनमेंट कैंसिल करने पड़े। हाँ शौकीन तो किताबों के, फिल्मों के, कम टू द पॉइंट। इसके बाद आते हैं अथर्ववेद का ब्राह्मण। हाँ जी, मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है और मैंने आधे से ज्यादा तो बांट दिए हैं। आप लगता बिना पढ़े लिखे इतनी बातें निकलेंगी, कहां से आएंगी? एटलीस्ट पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ना नॉट एज की मैं कोई पनिशमेंट नहीं था, मेरा शौक। आज ही मैंने 2000 किताबें ऑर्डर की है, मेरे सैलरी का 75% किताबों में ही जाता है।
एक बुक को एक ही बार पढ़ते हैं, लव स्टोरी स्टोरी नहीं पढ़ते हैं भाई मेरे, लव स्टोरी पढ़ने वाली चीज नहीं है किस दुनिया में। हाँ यार उसको ना अमेजोन पे मैंने डाला था, तब से आउट ऑफ स्टॉक को लिख दिया, एक बार ऑर्डर आया मैं भेज नहीं पाया, उसको पुनर्जीवित कराना है, उससे बात कर लेना, मुझे टाइम नहीं मिला। खैर अथर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण है गोपत ब्राह्मण, इसमें भी यज्ञों का वर्णन है, खासकर अग्निष्टोम अश्वमेध। हाँ जी हाँ जी, तो मैं ऐसा करता हूँ इस हफ्ते में डाल देता हूँ तीन किताबें, तीनों किताबें आप वहां से मंगा देना। तो ये करते हैं, कुछ पहले दो प्रश्न कर लेते हैं, उनका आप प्रत्युत्तर दीजिए। कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाओं में क्या शामिल नहीं है? काटक, कपिष्टक, गार्गी, तैत्री। है इसलिए कल भी सभी लोग ज्वाइन करेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन में, अभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, तो फटाफट इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए फैक्ट इसमें जुड़ गए हैं ना। पहला ऑर्डर कैंसिल बार है, तो गोपत ब्राह्मण में सबसे पहले ओंकार का वर्णन किया गया है। बारह बजे फ्री रहता हूं क्योंकि 12 बजे एक साइकिल पूरा हो जाता है। ओंकार, ओम ऊचावीर ऊचावीर, जैसे सारे ताले खुल जाते हैं। अनीता जी मॉडर्न इंडिया मैंने इतना मॉडर्न वे में पढ़ा दिया है पिछले, अभी अभी तो फिनिश हुआ है थोड़ी देर पहले, आपने लगता है विलंब से ज्वाइन किया, तो उसकी रिकॉर्डिंग आप देखिए, आपको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। जिन्होंने देखा है वो तो ज्ञानी हो गए हैं, बहुत सही कोर्स है, इसमें लास्ट में पढ़ाएंगे, लेकिन चाहो तो वो देख सकते हो करके मुझे टोपी भेंट कर दोगी। तो ओम का भी वर्णन है और गायत्री मंत्र का भी वर्णन है, ओम भूर्भुवस्वः, इसका इसकी विधानों को निरूपित किया गया है। हिस्टोरियोग्राफी में खुद पढ़ाया हूं, बहुत पढ़ाया हूं। अच्छा, गोपत ब्राह्मण में ब्रह्मचर्य क्या चीज होती है इसका भी विवरण दिया गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ देखो, जैसे ही है ना कि कोई चीज बिल्कुल स्थूल है और धीरे 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 सूक्ष्मतम की तरफ बढ़ती जा रही है और बिल्कुल सूक्ष्म हो जा रही है, ब्रह्मचर्य क्या होता है तुम्हारी समझ में नहीं आएगा बालक। कुछ नहीं करो नीता, वज्रपात और तुषारापात टुगेदर दोनों नहीं हुआ,
आप पिछले कोर्स में जाइए, आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न इंडिया, और उसमें वन बाय वन क्लासेस देखना शुरू करिए। और अपने घर में समझा दीजिएगा जो आसपास आपको बीच बीच में देखा करते हैं मोबाइल झांकते हुए, कि बीच बीच में मैं हंसने लगूंगी तो आपको मत सोचना कि मैं पागल हुई, वो तो मैं पहले से ही थी। एक भाई साहब ने फोन किया कि आपकी क्लास देखकर कि मेरी बीवी हंसते हंसते लौटने लगती है, मैं क्या करूं? मैं कहा तुम बीन बजाओ और क्या करोगे। तो ब्रह्मचर्य कर्तव्यों का इसमें प्रतिपादन मिलता है। ये सेतु है, एक वैदिक और लौकिक साहित्य के मध्य सेतु। तो ये हो गए ब्राह्मण। अब आते हैं अर्यक। मैं रात में देखा करूं ना क्लास बच्चों के पास, बच्चा रो रहा है तो हंस रही कैसी माँ हो। अड़ियक इनको रहस्य से जोड़ा जाता है। कुबाता तो वे कुबाता कुपिता चुभे, उसका तो पता नहीं था कि तुम कुपिता साबित हो गए। हाँ लेकिन आपके हस्बैंड है बहुत गंभीर, तारीफ तो करते हैं लेकिन उनको देखता हूँ लगता है कितनी सीरियस है। अच्छा पढ़ाने तो तुम, पढ़ाने तो कम टू द पॉइंट। अरे एक जंगल की बात हो रही है, एकांत वन। तो किट्टी क्या होता है? बिल्ली। मैं अच्छा टीचर हूं ये तो मुझे मालूम था, लेकिन पशु पक्षी भी देखेंगे मेरी क्लास ये मुझे नहीं मालूम था। तो अरण्यक को लिखा गया है जंगल में एकांत में रहने वाले ऋषियों ने लिखा है। तो इनको माना जाता है कि ये ब्राह्मणों के अंतिम अंश हैं, यानी ब्राह्मण की परिशिष्टि हैं, क्योंकि दर्शन रहस्यवाद और यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या इसमें की गई है। यहाँ पे हम एक नई प्रवृत्ति पाते हैं कि यज्ञों की प्रारंभिक काल की अनेक धार्मिक रीतियों का ये विरोध भी करते हैं। अर्यक जंगल भी है, आधी रात भी है। नहीं जी सर्दी तो नहीं हुई, मेरी आवाज ही ऐसी है। अर्यकों को माना जाता है कि कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, इन दोनों के बीच ये सेतु है। आपसे ये अपेक्षा थी। कर्म मार्ग है ब्राह्मण ग्रंथ, ज्ञान मार्ग है उपनिषद, इन दोनों के बीच से तुम्हें अर्यक। तो कहीं कहीं तो ये एक हो जाते हैं उपनिषदों के साथ, एक हो जाते हैं। जैसे बृहदकार्यकोपनिषद सुना है ना, बृहदकार्यकोपनिषद, बृहदार्यकोपनिषद, ये उपनिषद और अर्यक ये दोनों एक है। तो वर्तमान में सात अर्यक उपलब्ध है, ऐत्रेय, दैत्री, शंखायन, मैत्रायणी और
माध्य दीन वृदारण्यक और तलवकार, अथर्ववेद का कोई अर्ण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अब इन सातों अर्ण्यक ग्रंथों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। देखो जगजीत सिंह की एक गजल है लाइफ स्टोरी, यूट्यूब पे लाइफ स्टोरी बाय जगजीत सिंह, न्यूयॉर्क में उनका कंसर्ट है, वो उसके सारे गाने मेरे फेवरेट हैं। तो ये सात अड़िए, चार इधर तीन इधर। तो इसमें एक ऐतिहासिक विशेषता, जैसे एक संख्यायन है कौशिक की, इसमें कहा गया है कि यज्ञों में हवि नहीं डालेंगे, यज्ञों में श्वास को डालेंगे, और एक अलग तरह का यज्ञ होगा वो, उसका नाम इन्होंने रखा है प्राणाग्निहोत्र। तृतीय अर्ण्यक है, सबसे पहले यज्ञोपवीत का वर्णन तृतीय अर्ण्यक में ही मिलता है, सबसे पहले श्रवण का उल्लेख इसी में मिलता है। मैत्रायणी अर्ण्यक है, चक्रवर्ती राजा का कॉन्सेप्ट इसी में मिलता है। अच्छा वेरी गुड, श्री फोटो मैंने भी कई कॉन्सेप्ट देखा है। इडली सांभर रात को, मुझे स्पेशल क्लास है सर जो ज्वाइन करना, और एक दो क्वेश्चन भी पूछे थे, इसका लेटर बोर्ड है। एक क्वेश्चन, सृष्टि प्रभाव और सीमा, अंजू मोहित माधुरी कृष्णा सिमी नीतू कविता, गुड नाइट, बाय बाय।